हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं म्यूर सेल्के के बारे में। हाँ जी, उस इंसान के बारे में जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर एक 6 साल के बच्चे की जान बचाई। वनगिनी रेलवे स्टेशन पर एक 6 साल का बच्चा स्लिप होकर ट्रैक पे गिर जाता है और उसके बाद में म्यूर सेल्के जी अपनी जान दांव पर लगा के उस बच्चे को बचा लेते हैं। जब से वीडियो आई है, मेरा भी मन था कि मतलब बहुत जने वीडियो बना रहे थे। वैसे तो मैं ऑलरेडी इन दो वीडियो में डाल चुका हूँ। एक में सीसीटीवी फुटेज का है और दूसरी वीडियो उसको अवार्ड्स वगैरह सम्मानित वगैरह कर रहे हैं उसका वीडियो था। मगर मेरा भी मन किया कि क्यों ना मैं भी वीडियो बनाऊँ उनके ऊपर और वीडियो में आके उनको सल्यूट करूँ, उनकी बहादुरी पर, कैसे उन्होंने अपनी जान दांव पर लगा कर उस बच्चे को बचाया। जब से वीडियो आई है, मैं उसको रिपीट कर करके देख रहा हूँ कैसे मतलब उन्होंने कैसे अपनी बहादुरी दिखाई, कैसे अपनी जान पर खेल कर उस बच्चे को बचाया। मगर आज मैं उनके अलावा एक और इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ, जिनकी वजह से म्यूर सेल्के की जान भी सेफ रही और साथ में 6 साल का बच्चा भी। मैं उस इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ जिनकी वजह से म्यू सेल्के को ज़्यादा टाइम मिला उस बच्चे को बचाने के लिए। हाँ जी, वीके जांगिड के बारे में बात करने वाला हूँ। उस दिन वो जो ट्रेन आ रही थी केसीआर बेंगलुरु से बम्बई को जो जा रही थी, उस कैब में जो ट्रेन ड्राइवर थे मतलब लोको पायलट थे, वो वीके जांगिड थे, विनोद कुमार जांगिड। जो उन्होंने देखा कि एक बच्चा ट्रैक पे गिरा हुआ है और उसके बाद में प्लेटफार्म पे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने जैसे देखा उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करा, जिस वजह से ट्रेन बहुत ज़्यादा धीरे हो गई। पहले वो ट्रेन जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कर्व पे वो ट्रेन 100-105 KMP की रफ्तार से चल रही होती है और उसके बाद में जैसे इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं वो ट्रेन 85 KMP की रफ्तार से उस स्टेशन से क्रॉस करती है, वनगिनी रेलवे स्टेशन से 85 KMP की रफ्तार से क्रॉस करती है, जिसकी वजह से ट्रेन की रफ्तार कम हुई और वो दोनों सेफ रहे। सैल्यूट करना चाहूँगा उनकी बहादुरी पर, क्योंकि मैं जब से ये वीडियो आई है मैं काफ़ी बार देख चुका हूँ, रिपीट 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 करके देख चुका हूँ। मेरा मन ही नहीं भर रहा उस वीडियो को देखने के, कैसे वो गए और उस बच्चे को बचाया। सैल्यूट, आई सैल्यूट। तो बस यही जानकारी आप लोगों को देनी थी इस वीडियो में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।